हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये विला। और ये ऐसे वैसे विला नहीं है, ये बहुत ही अच्छे विला हैं। और ये बने हुए हैं नोएडा सिटी में। तो आज आप लोग सोचोगे कि बुलबुल एकदम से शिपरी से नोएडा कैसे पहुंच गई, ये कैसे दिखा रही है। तो नोएडा मैं नहीं गई हूँ, लेकिन हमारी लवली बाजी हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे जो दूल्हा भाई हैं यानी कि हमारे भाई, तो उनका ट्रांसफ़र जो है ना नोएडा में हो गया है। पहले वो दिल्ली काम करते थे, उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र नोएडा में हो गया है। तो वो अभी नोएडा में रहते हैं, शिफ्ट हो गए नोएडा में ही। तो अभी स्कूल की छुट्टियां वगैरह चल रही हैं, अभी कोई मतलब ट्यूशन वगैरह भी नहीं है बच्चों का। तो क्या है ना, लवली बाजी कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने के लिए चली गई हैं। और वो दिखा रही हैं कि वो अभी इस टाइम पे इस टाइप के विला में रह रही हैं। और उन्होंने मुझे मतलब शाम के टाइम जो है ना, वो बाहर टहलने के लिए चले जाती हैं, घूमने के लिए चले जाती हैं। तो ये विला की जो कॉलोनी है ना, वो ही इतनी ज़्यादा बड़ी है कि यहाँ पर ही टहलना हो जाता है उनका। तो वो टहलने के लिए गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो इस टाइप के विला हैं। और मतलब इतने सस्ते में मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, सिर्फ 90 लाख रुपये के विला मिल रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर तुम लेना चाहो या हम भी लेना चाहें, तो मतलब वो बता रही थी देखो इस टाइप के विला हैं। और इसमें ना इधर साइड मल्टी भी बन रही हैं, उसमें फ्लैट्स वगैरह मिल रहे हैं, 2 BHK 4 BHK फ्लैट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को बता रही थी। और बस मैंने उनसे बोला था कि भाजी आप बताना कि किस किस टाइप के घर में आप रह रही हो, क्योंकि जब भी वो वीडियो कॉलिंग पे हमारी बात होती थी ना उनसे, तो उनका जो रूम था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई सामान वगैरह तो नहीं ले करके आई है वो, क्योंकि वो यहाँ पर क्या ना कुछ टाइम के लिए रहने आई हैं बस। तो उन्होंने सारा सामान वगैरह नहीं लेकर के आई हैं, और ज़्यादा सामान जो हमारे बिक्की भाई के पास था, मतलब जो लोग बाहर रहते हैं तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि उनके पास कितना सामान होगा, है ना। लेकिन जब उनकी फैमिली पहुंच जाती है तो धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगता है, तो ख़रीदने लगते हैं लोग वहाँ, है ना। तो बस ये बता रही थी कि देखो इस टाइप से है, नीचे एक पोर्शन बना हुआ है, बड़ी सी किचन है, हॉल टाइप का बना हुआ है, बरामदा भी है, इसमें भी बालकोनी है, फिर ऊपर जाके है जो है ये बाजी का रूम है। तो ये बाजी अपना रूम दिखा रही है, इसी वाले रूम में रहती है, क्योंकि इस पूरे विला में जो है ना काफ़ी सारे रूम बने हुए, काफ़ी सारे रूम। तो उनके जो हमारे भाई के साथ में जो लोग काम करते हैं ना, वो लोग भी रहते हैं इन्हीं रूम्स में। अलग अलग रूम है, काफ़ी सारे बड़े बड़े रूम हैं, तो बस इन्हीं रूम में वो लोग भी रहते हैं। तो बाजी फ़िलहाल अभी अपना रूम दिखा रही है कि बाजी ने किस तरह से कर लिया है, क्योंकि बिक्की भाई पहले अकेले रहते थे यहाँ पे। तो जब उनकी फैमिली पहुंच जाती, तो आप लोगों को पता है कि लेडीज़ मतलब कितनी ज़्यादा वो होती हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से बता रही थी कि पूरा मल्टी वगैरह बन रही हैं यहाँ पे, सारे विला दिखा रही थी, यहाँ से बालकनी भी दिखती है उनके रूम से। फिर उसके बाद में जो है ऊपर छत पे जा रहे हैं, तो छत के लिए कुछ इस टाइप से बना हुआ है ये पूरा, मतलब काफ़ी बड़ी छत भी बनी हुई है। तो ये ना आधे आधे पोर्शन में बना हुआ है, जैसे बहुत बड़ा विला है वैसे तो, लेकिन आधी आधी छत दी गई है, मतलब दो साइड छत दी गई है इसमें। तो वो बता रही थी मुझे कि इस टाइप से बनाया है, देखो यहाँ पे अगर आप झूला डालना चाहो तो झूला डाल सकते हो। बाकी अभी क्या है ना, अभी नए और भी ज़्यादा काम चल रहे हैं, तो इसी वजह से क्या है ना, साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे विला तो जो है ना खाली भी पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी कोई रहने नहीं आया है, अभी उनका सेल नहीं हुआ है इसी वजह से। और यहाँ पे पार्क भी बना हुआ है, यहाँ पे जो है मॉल टाइप के भी बने हुए हैं, छोटे छोटे शॉप बने हुए हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो भी आपको घर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ही मिल जाती हैं, कहीं बाहर जाने की मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों को पता है कि बड़ी जो कॉलोनी होते हैं उसमें ही सारे कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं, तो सारी चीज़ें वहीं पर ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पे दिखा रही है कि देखो यहाँ पे भी पूरे विला जो है खाली पड़े हुए हैं, और ये आधे आधे में भी खरीद सकते हैं। अगर पूरा कोई नहीं खरीद पा रहा है, तो आधे आधे पार्ट में भी यहाँ से जो है खरीद सकते हैं। तो भाई हमारे लवली बाजी का नया आशियाना आप लोगों को कैसा लगा, वो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। चलिए अभी मैं अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करती हूँ।
आज का जो बैकग्राउंड है कैसा लग रहा है आप लोगों को वो मुझे बताना कमेंट करके। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। और अभी मैं आई हुई थी छत के ऊपर कपड़े धोने के लिए, काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं मेरे, तो कुछ कपड़े मैंने जो है मशीन में लगाए हैं, लेकिन मशीन अभी मैंने फ़िलहाल बंद कर रखी है क्योंकि आवाज़ नहीं आती है, फिर मुझे ना वॉइस ओवर करनी पड़ती है यहाँ पे, तो इसलिए सोचा मैंने यहाँ से ही अपना ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। तो बस अभी मैं ऊपर छत पर आई हुई, तो बस मैंने अभी यहाँ पर कपड़े जो है लगा दिए हैं मशीन में, इसको चलने देंगे और तब तक हम रूम में बैठ के थोड़ा सा फैन की हवा लेंगे। वैसे तो यहाँ पे भी बाथरूम में भी बहुत अच्छी हवा आ रही है, बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है लेकिन यहाँ पे ठंडक लग रही है, बाथरूम में तो ठंडक लगती है वैसे भी पानी वाली जगह पे। मैं वैसे शाम को सोच रही थी शाम को ही धोंगी, बाजी ने कपड़े धो लिए थे तो पूरे तार मतलब घिरे हुए थे, तो उसकी वजह से फिर मैंने नहीं धोए थे, फिर मैंने सोचा चला भी धो लेती हूँ, तो दोपहर में मतलब सूख जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, 1 घंटे के अंदर सूख जाएंगे और जल्दी ही सूख जाएंगे। ये हमारा फवारा है लेकिन ये पूरा पैक हो चुका है, हवा बहुत अच्छी चलने लगी ना, ये कपड़े और रखे हुए हैं मेरे, तो यहाँ पे जो है ये कपड़े मैंने धुलकर डाल दिए हैं, यहाँ पे भी हैं देखो, और कुछ कपड़े जो है अभी मेरे मशीन में डाली हुए हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े जो है ना इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर छत पे कपड़े धोने के लिए आई थी, लेकिन कुछ कपड़े जो है ना सूख चुके हैं और कुछ कपड़े मशीन में भी डले हुए हैं, तो बस कपड़े उतारने आए हैं, जो जो कपड़े सूख चुके हैं। और इनाया ने मुझे देखा वैसे ही वो मेरे पीछे पीछे छत के ऊपर आ गई, और इतनी धूप हो रही है छत पे और चप्पल भी पहन के नहीं आई, तो मैं उसे बोल रही हूँ कि नीचे जाओ चप्पल पहन के आओ, वैसे भी नीचे ही रहो वैसे भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है, लेकिन वो मान नहीं रही है, यहीं पर घूम रही है मेरे साथ में। जब मैं आई ना नीचे तभी वो मेरे साथ में आई, तो बस अभी यहाँ पे मैं कपड़े ले आई थी नीचे, तो यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, तो सानिया भी मेरी हेल्प कर रही है, कह रही मवानी मुझे भी फोल्ड करने दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। मतलब कहते नहीं कि बेटियों को कोई भी चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ वो धीरे धीरे अपने आप ही से ही सीख जाती हैं। कल मैंने इसको देखा कि कल रोटियाँ बना रही थी, तो उसने 2 रोटियाँ बनाई अपने पापा मम्मी के लिए, कहने लगी कि मौनी आपके लिए भी बना दूँ, तो उस टाइम पे मैं खाना खा चुकी, तो मैंने बोला कि तुम मेरे लिए बाद में बना देना। हाँ लड़कियाँ ना बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो यहाँ पे वो मेरी हेल्प करवा रही है, और देखो कितने अच्छे से फोल्ड कर रही है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही करके रख दे रही है, अच्छे से फोल्ड किया उसने। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ बड़ा पाव, तो उसकी रेसिपी आप लोग देख लीजिए। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ बड़ा पाव बनाने के लिए नीचे, और ये ले आए थे साथ में पाव, तो मैंने सोचा चलो आज बड़ा पाव ही बना लेते हैं, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो मुंबई के फेमस भी हैं बड़ा पाव, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है 1 कटोरी के करीबन, और सारे मसाले मैंने निकाल के रख लिए हैं, तो बस यहाँ पर बेकिंग सोडा, नमक और ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे बेसन लिया था, उसमें लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून के करीबन मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड किया है, और बस इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे, और हाँ इसमें हल्दी भी ऐड की है मैंने, क्योंकि हल्दी से बहुत अच्छा कलर आता है इसमें। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हमें ये करना है कि बेसन का बैटर बना के रख देना है, क्योंकि बेसन थोड़ा सा फूलता है, तो थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग टाइम भी चाहिए होता है इसको। तो बस उसकी बात पे हरी मिर्च मैंने कट करके रखनी है 3 से 4, मैंने छोटी छोटी सी हरी मिर्च ली है मैंने, तो बस राई डालने के बाद मैं डाल दूँगी हरी मिर्च, और उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को मैंने एकदम से स्लो कर दिया था, ताकि हमारे जो मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी वो जलेंगे नहीं। तो बस यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कुटा हुआ धनिया खड़ा, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और उसके बाद मैं ये जो हमने आलू अच्छे से मैश करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे, और अच्छे से मिक्स करके ये सारी चीज़ों को निकाल लिया था, और मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है एक साइड में। तब तक हमारे जो हमने टमाटर और लाल मिर्च जो हमने बॉईल होने के लिए रखा था ना, तो इसकी मैं बना रही हूँ चटनी। तो उसके साथ में मैंने थोड़ी सी 3-4 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, और उसके बाद में जो हमने बॉईल किए हुए टमाटो थे उसके छिलके निकाल लिए हैं, और मिर्च के जो डंठल थे तो वो निकाल लिए हैं। उसके बाद मैं अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है, और अच्छा से एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और उसके बाद मैं इसको करूँगी फ्राई। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीबन मैंने तेल डाला है, और उसमें थोड़ी सी राई डाली है, और राई डालने के बाद में जो हमने पेस्ट बनाया था यानी कि चटनी बनाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी, और अच्छे से इसको मिलाएँगे।
तो बस यहाँ पे हमारी ये मोमोज़ वाली चटनी भी बनके तैयार हो जाएगी और इसके साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे ये आलू वगैरह सब कुछ मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं, हरी मिर्च को मैं फ्राई करूँगी। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा पिसी हुई खटाई डाली है यानी कि अमचूर पाउडर डाला है, तो इससे मिर्चियाँ बहुत अच्छी लगती हैं फ्राई की हुई। तो बस यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो रहा था, उसके बाद में मैंने इसमें यहाँ पे जो हमारा आलू का मिक्सचर रखा हुआ था उसके मैंने बॉल्स बना लिए हैं, और बॉल्स बनाने के बाद में इसका थोड़ा सा बड़ा शेप देना है हमें, बड़े बड़े बॉल्स बनाने हैं। तो अच्छे से जो बड़े होते हैं ना, बटाटा बड़ा जैसा बोला जाता है, वो अच्छे अच्छे दिखते हैं। अगर छोटे छोटे से बनाओगे तो फिर अच्छे नहीं दिखेंगे, इसलिए थोड़ा सा बड़ा शेप दिया जाता है इनको। तो गोल शेप मैंने इसको दे दिया है, बॉल बना ली है इसकी, और उसको बेसन में डिप करना है, और डिप करने के बाद ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद में हम इसको डाल देना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसको थोड़े ज़्यादा से तेल में ही फ्राई कीजिएगा ताकि इसके जो चारों साइड में बहुत अच्छे से सिकता है, नहीं तो अगर थोड़ा सा कम तेल डालोगे ना तो नीचे से फ्लैट हो जाएंगे और चपटे चपटे से लगेंगे, तो इसलिए अच्छे नहीं दिखेंगे वो। और बस यहाँ पे ये हमारे बटाटा बड़े फ्राई हो गए थे, उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये पाव लिए, और पाव लेने के बाद में मैंने उसको घी में थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, फ्राई मतलब कि सेक लिया था, और उसके बाद में उसको निकाल लिया था। उसके बाद में मैंने इसके ऊपर लगाई ग्रीन चटनी और रेड चटनी जो मैंने बनाई थी अभी, वो लगाई। उसके बाद में थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और उसके बाद में जो हमने बटाटा बड़े बनाए थे वो रख दिए हैं, और हरी मिर्च के साथ में इसको गार्निश किया, बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे। तो बस वो बनाने के बाद में मैं यहाँ पे बना रही हूँ केक, तो बस केक की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पाउडर शुगर ली है 1 कटोरी के करीबन, जो हमारे पास नॉर्मल चीनी थी वो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था मिक्सर में, तो बस पाउडर शुगर लिया है। उसके बाद मैं 1/2 कटोरी के करीबन मैंने ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल। तो ये छोटी वाली कटोरी है हमारी, बड़ी वाली कटोरी मैंने नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही केक मतलब वो बनाने हैं मुझे, केक बनाना है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 1 अंडा, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, काफ़ी टाइम तक इसको फेंटेंगे, बहुत अच्छे से फेंटना है इसको। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी मैदा, 1 से 1.5 कटोरी मैंने लिया था मैदा, तो बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और वनीला एसेंस इसमें डालना है, लेकिन मेरे पास में था नहीं, तो मेरे पास में फूड कलर था वनीला वाला, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, तो आप कलर देख सकते हो कैसा आया है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो बस यहाँ पे सारा मिक्सर अच्छे से तैयार हो चुका है बिना लम्स का, इसमें एक भी लम्स ना रहने चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने मोल्ड्स ले लिए थे, और मोल्ड को मैंने अच्छे से धो लिया था, और उसके बाद में ये जो हमने बैटर बनाया है वो इसमें डाल देंगे, और उसके ऊपर हम टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं थोड़े से डेकोरेशन के लिए। तो थोड़ी सी गार्निशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करे हैं, तो बस मैंने बादाम लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश ली हैं, तो बस मैंने ऊपर से इसको रख दिया है, और बस इसको हम लगाएंगे माइक्रोवेव में। यहाँ पे हमारा केक बन रहा है, और इसका वेट करेंगे हम